साल पहले मैं इस सारे इलाके में आया था, एक कबायली इलाके के लोगों के ऊपर किताब लिख रहा था। तो मैं यहां औरकजई भी गया, उधर अपर औरकजई भी गया, सारी पाकिस्तान के कबायली इलाकों की एजेंसीज में मैंने सब जगह फिरा और किताब लिखी। इसलिए जब ये जंग शुरू हुई दहशतगर्दी के खिलाफ, तो मैं वो वाहिद पाकिस्तान का सियासतदान था जिसने सारे कबायली इलाके के इलाकों में फिरा भी था, कबायली इलाके को जानता भी था। लिहाजा मैंने बार बार कहा कि पाकिस्तान की फौज को अमेरिका के कहने पे कबायली इलाके में ना भेजा जाए। मैंने इसलिए कहा क्योंकि कबायली इलाके के लोग वो ही हमारी फौज थी, कबायली इलाके के लोग हमारी फौज थी। लेकिन बदकिस्मती कि जो उस वक्त का हुक्मरान था उसको पता ही नहीं था कबायली इलाके का, ना उसको पता था कबायली इलाके की रवायतों का, ना उसको कबायली इलाके की तारीख का पता था। लिहाजा जो हमारे कबायली इलाके में हुआ, ज्यादातर लोगों को कबायली इलाके के बाहर नहीं पता चला कि किस तरह की तबाही मची हमारे कबायली इलाके पे। और मैं मुसलसल बोलता रहा इसके खिलाफ, इसमें कोई पाकिस्तानी फौज का कसूर नहीं था, कसूर उस हुक्मरान का था जिसने अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान की फौज को भेजा कबायली इलाके में। हमारी फौज को हमारे जवान भी शहीद हुए और हमारे कबायली इलाके के लोगों को जिन मुश्किलात का सामना पड़ा, मैं फिर से कहता हूं बहुत कम लोगों को पता चला। कबायली इलाके के बाहर लोगों को नहीं समझ आई क्या हो रहा था। IDBs